एक जयकारो तो बने हैं। सूरत में मनाया राजस्थान दिवस, गुजरात विधानसभा चुनावों से पहले राजस्थानी समाज का शक्ति परीक्षण, आयोजन में दिखी राजस्थान की संस्कृति की मनमोहक झलक। पेश है सूरत से हमारे रिपोर्टर कुमार शैलेश की यह स्पेशल रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सहित चार राज्यों में मिली जीत के बाद भाजपा की नज़र गुजरात विधानसभा चुनावों में बड़ी जीत हासिल करने के लक्ष्य पर जुटी है। वहीं अब तक भाजपा साथ खड़े नजर आते गुजरात के राजस्थानी समाज भी विधानसभा में अपनी प्रतिनिधित्व को तलाश रही है। इसी बीच रविवार को सूरत में राजस्थानी समाज की ओर से राजस्थान दिवस मनाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। एशिया के सबसे बड़े टेक्सटाइल हब कहे जाने वाले सूरत के कपड़ा बाजार में राजस्थान के लोगों का बोलबाला है। कपड़े के दुकान से लेकर कपड़ा बनाने वाली डाइंग प्रिंटिंग मिलों में राजस्थानियों की एक तरफा राज है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से 10 लाख लोगों को रोजगार देने वाले कपड़ा कारोबारियों को गुजरात की राजनीति में बड़ा स्थान हासिल नहीं है। ऐसे में जब कई राज्यों में जीत के रथ पर सवार भाजपा जब गुजरात विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए कमर कस रही है, इसी बीच रविवार को सूरत के पर्वत पाटिया इलाके में राजस्थान दिवस के रूप में राजस्थानी समाज की ओर से एक विशाल आयोजन किया गया, जिसमें करीबन 50,000 लोग किया गया है। इस मौके पर गुजरात प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सीआर पाटिल मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे। आयोजक भी गुजरात प्रदेश अध्यक्ष पाटिल के स्वागत में किसी तरह का कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। मन से भले ही राजनीतिकों से भरा था, लेकिन आयोजकों का मानना यही था कि एक सामाजिक कार्यक्रम है जिसमें मूल राजस्थान के अलग अलग 36 समुदायों को लोगों को एकजुट करने का एक प्रयास है। उल्लेखनीय है कि सूरत सहित दक्षिण गुजरात में तकरीबन 10 से 12 लाख राजस्थानी लोग रहते हैं और विभिन्न व्यवसायों में कार्यरत राजनीतिक दृष्टिकोण से यह समाज हमेशा प्रदेश में भाजपा के साथ खड़ा रहा है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इन्हें कोई बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं हुई है। ऐसे में यह समाज अपने कारोबारों के साथ प्रदेश में राजनीतिक सीढ़ियों को तलाश कर रहा है, हालांकि इस पर कोई खुलकर बोलना नहीं चाहता है। इस आयोजन को भी महज सामाजिक एकता बताया जा रहा है। पूरे राजस्थान की गाथा आप लोगों के बीच में मैंने गाई है और बहुत ही सारे कलाकारों की प्रस्तुति भी इस भजन के बाद हुई, लेकिन आप लोग जितने भी बैठे हैं, जितने भी दूर दूर से हैं, सभी लोग मेरा साथ जरूर दें। कुछ प्यारा राजस्थान अपने कारोबार के चलते हमेशा सत्ता के साथ नजर आने वाले राजस्थानी समाज सत्ता में भागीदारी को लेकर प्रयास कर रहे हैं। राजस्थान दिवस का हमारी 36 कौम का प्रोग्राम है, जिसमें करीब 25,000 से 50,000 लोगों की जनमेदनी आज उसका सैलाब आने की संभावना है और ये प्रोग्राम हमने राजस्थानी लोगों को एक सूत्र में पिरोने के लिए किया है। प्रदर्शन आप तैयार हो? जी नहीं, ये बिल्कुल शक्ति प्रदर्शन नहीं है, क्योंकि ये प्रोग्राम हमारा 3 साल पहले डिसाइडेड था, पर कोरोना के कारण जो रेस्ट्रिक्शन थी हम लोग कर नहीं पा रहे थे। इसलिए ये अब ये इत्तेफाक है कि शायद विधानसभा चुनाव आ रहे हैं और हमारे ये प्रोग्राम भी, बाकी ये हमारा कोई भी इसके पीछे राजनीतिक जो है। उदय जी, गुजरात में राजस्थान स्थापना दिवस का महत्व क्यों और क्या इसके पीछे के मायने हैं? राजस्थान हमारी जन्मभूमि है और कर्म भूमि हमारी गुजरात है, यानी सूरत है, तो इसका एक बहुत बड़ा महत्व है। हम लोग वहाँ से चले हैं रोजगार के लिए और यहाँ हमें शरण भी मिली है, हमें मान भी मिला है, इसलिए हम चाहते हैं कि दोनों धरती का मान बढ़े, हम लोग मिलजुल करके काम करें। गुजरात विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं,
ये अगर ताकत देखी जाए तो जो आपकी समाज है राजस्थानी समाज की है वो क्या प्रतिनिधित्व को लेकर मांग करता है? नहीं, ये सब हमारा सब्जेक्ट नहीं है, हमारा विषय नहीं है, हम लोग बिल्कुल भी पॉलिटिशियन नहीं है। हमारा सब्जेक्ट एक ही है कि राजस्थान की जो 36 कौम है अलग अलग टुकड़ों में बटी हुई थी, हम उनको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, सब एक हों, बस इतना ही हमारा है और कोई राजनीतिक इसका कार्यक्रम कुछ नहीं है। सूरत में आयोजित राजस्थान दिवस पर राजस्थान के प्रसिद्ध गायक कलाकार प्रकाश माली और आशा वैष्णव के जरिए भीड़ एकत्रित कर शक्ति प्रदर्शन किया गया। गुजरात के सूरत शहर में आयोजित राजस्थान समारोह में ये बात तो साबित हो जाती है कि गुजरात के चुनाव करीब हैं और ऐसे में ऐसे खूबसूरत आयोजन अब लगातार किए जाने लगे हैं। भले ही पदाधिकारी इस बात से इनकार करते हों लेकिन उनकी बातों पर नज़र डालें तो ये साफ हो जाता है कि जन्म असली राजस्थान जबकि कर्म असली गुजरात है। यानी कि जैसे जैसे चुनाव करीब आते जा रहे हैं वैसे वैसे अब इस तरह के आयोजन भी कहीं कहीं राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखे जा सकते हैं। इस खूबसूरत आयोजन को लेकर हम पदाधिकारियों और समाज के लोगों को बधाई प्रेषित करते हैं। वहीं सूरत शहर से हमारे रिपोर्टर कुमार शैलेश के विशेष सहयोग से ये रिपोर्ट तैयार की जा सकी है। आगे भी हम गुजरात चुनाव और राजस्थान समाज को लेकर विभिन्न स्टोरी कंटेंट पर बात करते रहेंगे। आपसे हमारी एक अपील, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि देश और समाज इससे जुड़ी हुई स्टोरी के साथ साथ गुजरात की विभिन्न स्टोरीज आप तक सीधी पहुंच सकें। धन्यवाद।